हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग रिलेटिव्स के बारे में बातें करेंगे। फ्रेंड्स, यदि हम लोग किसी से मिलने जाते हैं, वो व्यक्ति नहीं है, कोई और व्यक्ति उस घर में है, फिर हम लोग पूछते हैं ना, वो व्यक्ति कहाँ गया है, कब आएगा, साथ ही साथ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कौन कौन है, तुम कितने भाई बहन हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो या आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत तरह की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो आज हम लोग बहुत तरह की बातें इस छोटे से वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, शुरू करें? तो फ्रेंड्स, जब हम किसी से सबसे पहली बार मिलते हैं तो बागुन नारा, हालांकि हर वीडियो में लगभग मैं बोलती भी हूँ बागुन नारा, मतलब आप ठीक ठाक है ना। या फिर हम पूछ सकते हैं एला उन्नारू, एला मतलब कैसे, उन्नारू बने हैं, एला उन्नारू कैसे हैं, किसी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी के पास जाते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? बागुन नारा, ठीक ठाक है ना। अदरवाइज एला उन्नारू, कैसे हैं। ठीक है, कैसे हैं, एला उन्नारू कैसे हैं, या फिर बागुन नारा, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, बागुन नारा, बागुन नारा या एला उन्नारू, दोनों बोल सकते हैं। और उसकी जगह यदि कोई छोटा व्यक्ति है, कोई छोटा है, तो फिर उसको बोलेंगे बागुन नावा। देखिए, बागुन नावा, बागुन नावा मतलब कैसे हो, ठीक ठाक हो ना, या फिर एला उन्नाऊ, एला उन्नाऊ, एला उन्नाऊ कैसे हो। तो फ्रेंड्स, एला मतलब कैसे हुआ, और बागुन नावा बोल देना वा वा, ते अपने आप में क्वेश्चन मार्क हुआ, और यहाँ पे एला जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, एला, तो एला उन्नाऊ कैसे हो, बागुन नावा कैसे हो, ठीक ठाक हो ना, बागुन नावा ठीक ठाक हो ना, इसका मतलब एक हुआ। ठीक है ना, ये छोटों के लिए प्रयोग करेंगे। यदि बड़े हैं तो एला उन्नारू कैसे हैं, या फिर बागुन नारा ठीक ठाक है ना। ठीक है, फिर उसका आंसर क्या आएगा? नेनू बागुन नानू, मैं ठीक ठाक हूँ। नेनू मैं, नेनू मैं, बागुन नानू ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। फिर पूछेंगे ना, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं। यदि मान लीजिए जैसे बोल दिया नेनू बागुन नानू मरी मिल वाला अंदर, ठीक है, और आप कैसे हैं, और आप, तो और के लिए बोलेंगे मरी, मरी के लिए और। ठीक है, और आप कैसे हैं, मरी मीरू एला उन्नारू, मरी मीरू एला उन्नारू, मीरू मतलब आप, एला उन्नारू और आप कैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो लोग बातें कर रहे हैं, एला उन्नारू नेनू बागुन्नानू, मरी मीरू एला उन्नारू और आप कैसे हैं, मरी मीरू एला उन्नारू, मरी मीरू एला उन्नारू आप कैसे हैं। ठीक है ना, फिर वो बोलेगा मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। नेनू चाला बागुन नानू, नेनू मैं चाला, चाला का मतलब बहुत, नेनू चाला बागुन नानू मतलब मैं बहुत ठीक ठाक हूँ। या फिर बोलना है मैं भी ठीक ठाक हूँ, नेनू कूड़ा, फिर वहां फ्रेंड्स कूड़ा लगा दे, कूड़ा, नेनू कूड़ा चाला बागुन नानू मतलब तुम ठीक हो तो मैं भी हूँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ, नेनू कूड़ा चाला बागुन नानू, नेनू कूड़ा चाला बागुन नानू। तो फ्रेंड्स, फ्लो में बोलना है। ठीक है ना, नेनू कूड़ा चाला बागुन नानू, फ्लो में नेनू कूड़ा चाला बागुन नानू। ठीक है, इस तरह से मतलब मैं भी ठीक ठाक हूँ। फिर पूछना है फ्रेंड्स, आपके पिताजी कहाँ हैं, या आपकी माँ कहाँ है, आपके चाचा कहाँ है। मान लीजिए किसी से मिलने आए हैं, तो हमें बस केवल उनका नाम जानना है। आपके, आपके के लिए मी, मी मतलब आपके, मी। चाचा को पूछना है तो चिन्नाना, माँ को बोलना है अम्मा, चाची के लिए बोलना है पिनी। हम लोग कई बार इसके बारे में बातें कर चुके हैं। भैया के लिए पूछना है तो अनैया, छोटे भाई के लिए पूछना है तो तमड़ू, दीदी के लिए पूछना है तो अक्का, छोटी बहन के लिए पूछना है तो चिल्ली। ठीक है ना, तो उसी तरह से फ्रेंड्स ये नाम जो है ना बदलता रहेगा। यहाँ पे नाम गांव है, यहाँ पे है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, पिताजी से मिलने आए हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं, मी नानगारू, नाना मतलब पिता, गारू मतलब जी।
किसी को भी आदर देने के लिए बाद में यहाँ पर जी का जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं वैसे ही गारू का प्रयोग करते हैं। बहुत लोग मुझे जब बोलते हैं दीपा गारू इस तरह से बोलते हैं, तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी से मिलिए तो जी आदर के साथ जी जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे आप जैसे राम से मिले जाने तो राम गारू, महेश गारू, राधा गारू इस तरह से बोलता है, ठीक है। तो मी नान गारू आपके पिताजी, मी अम्मा आपकी माँ, मी चिन्नाना आपके चिन्ना मतलब चाचा जी, ठीक है ना, छोटे चाचा आपके छोटे चाचा जी, ठीक है ना। मी पिनी आपकी चाची या मौसी, इकड़ा उन्नारू कहाँ है, इकड़ा इकड़ा कहाँ, उन्नारू मतलब है। मी नान गारू इकड़ा उन्नारू आपके पिताजी कहाँ है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कोई छोटे भाई के लिए पूछ रहा है मी तमड़ू एकड़ा फिर उन्नाड़ू बोलेगा फ्रेंड्स वहां, फिर देखिए वहां हो जाएगा उन्नाड़ू, मी तमड़ू एकड़ा उन्नाड़ू तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है उन्नाड़ू, छोटे जो रहेंगे ना तो उसमें उन्नाड़ू लगा देंगे और बड़े रहेंगे तो उन्नाड़ू बोलेंगे, ठीक है। आपके पिताजी कहाँ है, मी नान गारू एकड़ा उन्नाड़ू, यदि बोलना है मेरे पिताजी घर में है, यदि बोलना है मेरे पिताजी ऑफिस है, मेरे पिताजी बाजार गए हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, तो फिर यदि बोलना है मेरे पिताजी घर में है तो माँ नान गारू मेरे पिताजी, माँ नान गारू घर में, इंट लो, इंट की मतलब घर होता है, लो मतलब में, लो कनेक्टिंग वर्ड है, इंट लो घर में, ऑफिस लो ऑफिस में, ठीक है ना। इंट लो उन्नारू, उन्नारू मतलब हैं, उन्नारू का मतलब होता है फ्रेंड्स हैं, मेरे पिताजी ऑफिस में हैं, मा नान गारू ऑफिस लो उन्नारू, मा नान गारू इंट लो उन्नारू। यदि मान लीजिए चाचा के लिए बोल रहा है चिन्नाना के लिए तो मा चिन्नाना इंट लो उन्नारू, मा चिन्नाना ऑफिस लो उन्नारू। अम्मा के लिए बोलना है, माँ के लिए पूछना है, माँ किचन में है, ये सब बोलना है, माँ किचन में है तो अम्मा किचन लो उन्नारू, अम्मा किचन लो उन्दी भी बोल सकते हैं, उन्नारू भी बोल सकते हैं, माँ के लिए दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अम्मा किचन लो उन्नारू, अम्मा किचन में है, किचन को फ्रेंड्स वंटिल्लू भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आपके कितने भाई बहन है, यदि हमें पूछना है आपके कितने भाई बहन हैं, तो फ्रेंड्स भाई में दो तरह के भाई हो जाएंगे, अन्ना बड़ा भैया, तमरू छोटा, बहन में अक्का बड़ी दीदी, चल्ली छोटी, तो यहाँ पे दोनों को मिला के बोलते हैं आपके कितने भाई बहन हैं। मीकू मतलब आपके, एंता कितने, अन्ना तमलू, अन्ना तमलू मतलब अन्ना और तमलू दोनों छोटे भाई ना, और अक्का चल्लू, अक्का चल्लू उन्नारू, मीकु एंता अन्ना तमलो अक्का चल्लो उन्नारू आपके कितने भाई बहन हैं, ठीक है। मीकु एंता अन्ना तमलो अक्का चल्लो उन्नारू आपके कितने भाई बहन हैं, यदि हमें बोलना है मेरे दो भैया हैं, ठीक है ना, मेरे दो भैया हैं बड़े हैं, तो बोलेंगे नाको मतलब मेरे दो के लिए इद्रू, तो फ्रेंड्स हिंदी में तो दो को दो बोलेंगे ना, लेकिन तेलुगु में दो को रिंडो बोलते हैं, लेकिन जब मनुष्य को काउंट करने की बातें आएंगी तो वहां पे इद्रू मुगरू नालगुरु, हालांकि फ्रेंड्स ये वाले नंबर वाले वीडियो में सब बताया गया है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, तो आप वहां पे सीख सकते हैं, तो वहां पे ना इद्रू, इद्रू मतलब दो, ठीक है ना, नाको इद्रू अनयालू, अनया मतलब भैया और लू लगा है क्यों, क्योंकि दो है प्लूरल हो गया, उन्नारू, ठीक है, नाको इद्रू अनयालू उन्नारू मतलब मेरे दो बड़े भाई हैं, ठीक है, नाकु इद्रू अनयालू उन्नारू मेरे दो भाई हैं, तीन रहते तो नाकु मुग्रू, मुग्रू अनयालू उन्नारू मेरे तीन भाई हैं, ठीक है, चार रहेगा तो नालगुरु, नाकु नालगुरु अनयालू उन्नारू मतलब मेरे चार भैया हैं मेरे से बड़े, अनया अनयालू, अनयालू मतलब एक से अधिक रहेंगे, तो एक रहेगा तो अनया, एक से अधिक रहेंगे तो अनयालू। तो फ्रेंड्स यदि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से सीखनी है ना, यदि आपको लगता है कौन सा वीडियो पहले कौन सा वीडियो बाद में, तो फ्रेंड्स आप जो है ना दीपा डायरी ऐप नहीं तो edu.deepadiary.com जो हमारा वेबसाइट है उसमें आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से सिर्फ 2 से 3 महीने में धड़ल्लेदार
बोलने सीख जाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में तरह तरह की वीडियो है फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर भी वीडियो है ताकि तेलुगु लोग कैसे बातें कर सकते हैं हम उसको देख सकें, लाइव वीडियो है उसको देख सके और उसको समझ सके, रोज गाना है, रोज का कन्वर्सेशन है, दो व्यक्ति को रोज किस तरह से बातें करते हैं, कभी बैंक की बातें हैं, कभी ऑफिस की बातें हैं, कभी होटल में बातें हैं, कभी राहगीर से रास्ता चलने की बातें हैं, तो बहुत तरह तरह के उसमें कन्वर्सेशन दिए हैं। तो फ्रेंड्स हर स्टेज पर किस किस तरह से हमें बातें करनी है चुटकियों में सीख जाएंगे, तो आज ही ज्वाइन करिए deepadiary.com। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप आगे देखते हैं। यदि हमें कहना है मेरे दो भैया हैं, नाकु इद्रो अन्नयालो उन्नारु, मतलब दो भाई हैं, लेकिन हमें कहना है लेकिन मेरी बहन नहीं है, लेकिन, तो लेकिन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन को कहते हैं कानी, कानी बट, नाकु चेल्लेलु लेरु, मतलब मेरी बहन नहीं है, चेल्ली मतलब बहन था ना, तो चेल्लेलु मतलब मेरी बहनें नहीं है, नाकु नाकु कानी नाकु चेल्लेलु लेरु, लेकिन मेरी बहन नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हमें कहना है और आपके घर में कोई है, और आपके घर में कौन कौन है, यदि हमें ऐसे पूछना है और आपके घर में कोई है या और आपके घर में कौन है, बहन और भाई की तो बातें हो गई, इनका एव रैना उन्नारा मी कुटुंब लो, इनका और एव रैना कोई भी उन्नारा है क्या, मी कुटुंब लो आपके घर में, मी कुटुंब लो, मी कुटुंब मतलब घर, लो कनेक्टिंग वर्ड है देखिए, लो मतलब में, मी कुटुंब लो, मी कुटुंब लो मतलब आपके घर में, इनका एवरना उन्नारा, इनका एवरना उन्नारा और कोई है क्या, अब तो अपने भाई के बता दिए, दो भाई हैं, चेल्ली नहीं है, पिताजी हैं, इनका एवरना उन्नारा मेरे कुटुंब लो आपके घर में और कोई है क्या, यदि ऐसा बोलना है। ठीक है, यदि बोलना है मेरे दादा और दादी हमारे साथ ही रहते हैं, दादा दादी नहीं है साथ में, मेरे दादा, तो दादा को क्या बोलते हैं, तातैया, तातैया दादा को भी कहते हैं फ्रेंड्स, और नाना को भी बोलते हैं, ठीक है ना, तातैया, तो क्या बोलेंगे, माँ तातैया, माँ नाना, माँ नाना माँ मतलब दादी, ठीक है ना, नाना मतलब क्या हुआ, पिताजी, पिताजी की माँ, नाना की अम्मा, नानम्मा, उसी तरह से नानी का तो और आसान है, अम्मा मतलब माँ, अम्मा की अम्मा जो हमारी नानी हुई, अम्मा की अम्मा, अमम्मा नानी, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, दीदी, ये तो मुख्य रूप से हुए, माँ पिताजी तो मुख्य रूप से हुए, तो इतना लोग के बारे में यदि हम अच्छी तरह से जान गए ना, तो बहुत अच्छी तरह से अपनी बातें हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बोलना है कि हमारे साथ मेरे दादा दादी भी रहते हैं, हमारे साथ मेरे नाना नानी भी रह सकते हैं, तो दादा दादी के लिए क्या हुआ, दादा तातैया, दादी नानम्मा, नाना नानी के लिए नाना तातैया, नानी अमम्मा, यदि हमें कहना है मेरे दादा और दादी हमारे साथ ही रहते हैं, मेरे दादा और दादी साथ ही रहते हैं, तो मानानम्मा मतलब मेरी दादी, नानम्मा मतलब दादी, ठीक है ना, दादी के लिए हो गया, मानानम्मा, मरयू, मरयू मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मरयू मतलब और, मरयू और, तातैया दादा, दादा मानानम्मा मारियो तातैया वालू, मतलब मेरे दादा और दादी भी मातो ने हमारे साथ ही उंटुन्नारु रहते हैं, मातो ने उंटुन्नारु मतलब हमारे साथ ही रहते हैं, मानानम्मा मारियो तातैया वालू मातो ने उंटुन्नारु मतलब वो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दादा और दादी मेरे साथ ही रहते हैं। ठीक है, चलिए यदि उसे पूछना है आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, ठीक है, पहली पहली बार मिल रहा है किसी से, मालूम नहीं है, या बातें मान लीजिए ट्रेन में हो रही है, मालूम नहीं है आपका घर कहाँ है, मिलू एकड़ा, इल्लू, इल्लू मतलब घर, इल्लू, ये तो बहुत आराम से याद हो जाएगा फ्रेंड्स, इल्लू इल्लू क्या है, इल्लू इल्लू घर है, मी इल्लू एकड़ा, मी इल्लू एकड़ा, मी इल्लू एकड़ा आपका घर कहाँ है, यदि हमें कहना है हमारा घर विशाखापट्टनम में है, हमारा घर विशाखापट्टनम में है, माँ इल्लू विशाखापट्टनम लो, माँ इल्लू विशाखापट्टनम लो उंदी, ऐसा भी बोल सकते हैं, अदरवाइज माँ इल्लू विशाखापट्टनम लो मतलब मेरा घर विशाखापट्टनम में, या माँ इल्लू विशाखापट्टनम बस इतना ही बोल सकते हैं, माँ इल्लू विशाखापट्टनम मतलब मेरा घर विशाखापट्टनम में है, वो अपने आप में कंप्लीट माना जाएगा, मी इल्लू एकड़ा, माँ इल्लू विशाखापट्टनम,
फ्रेंड्स मिल लो एकड़ा, फटाफट कमेंट्स करके बताइए मिल लो एकड़ा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, अच्छा है ना। जब पहली बार मिलते हैं, हो सकता है आप ट्रेन में मिले या किसी और साथ मिले, तो थोड़ी देर हमें अब थोड़ा गपशप करना है, टाइम पास करना है, कुछ उनके बारे में पूछना है, कुछ अपने बारे में बताना है, तो बहुत आसान तरीके से अपने रिश्तेदारों का परिचय देते हुए हम लोग बातें कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी? फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी कमेंट्स करिए, लाइक करके बताइए, और बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि भाषा ऐसी चीज है कि जितना अधिक हम लोग बातें करेंगे ना, हमारी पकड़ उतनी मजबूत होती जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।